वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज हम 10th क्लास के ओवरव्यू ऑफ सिलेबस की बात करेंगे, जिसमें हम सारी यूनिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसके बारे में एक ओवरव्यू एक स्मॉल टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने सारे एनिमल और प्लांट की टर्मिनोलॉजी और उसके डिस्क्रिप्शन की बात की थी, और आज हम इसके सिलेबस के ओवरव्यू की बात करेंगे। अगर सिलेबस के ओवरव्यू की बात करते हैं तो इसे कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, दैट इज आल्सो नोन एज यूनिट फर्स्ट। और इस यूनिट फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले इसमें इस तरीके से एक एक करके डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इस तरीके से यूनिट फर्स्ट में इसका डिवाइडेशन है। डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इट मींस पाचन, रिस्पायरेशन की बात करें श्वसन, सर्कुलेशन की बात करें यानी कि परिसंचरण, और एक्सक्रीशन की बात करें यानी कि उत्सर्जन। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट और सेकंड की, तो ये जो यूनिट है ये ह्यूमन सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देगी। ह्यूमन सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देगी। हमने बताया कि साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है। अभी तक हमने जितनी टर्मिनोलॉजी पढ़ी, अगर लॉजी आता है, वाई आता है, सीएस आता है, स्टडी से रिलेटेड होता है, फाइटा आएगा तो प्लांट से रिलेटेड होगा, पोरस आएगा तो छिद्र से रिलेटेड होगा। इस तरीके की ना जाने कितनी सारी टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी, जिसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिटरली मीन होता है। उसी तरीके से अगर किसी टर्म के लास्ट में आई ओ एन आ जाए, ION आ जाए, तो इसका मतलब होता है प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस। आप लोग याद रखिएगा हमेशा, कभी भी किसी भी टर्म के लास्ट में अगर ION आ जाए तो उसका मतलब होता है प्रोसेस। अब ये बात इसलिए बतानी जरूरी होती है क्योंकि ह्यूमन सिस्टम में कई सारे सिस्टम हैं, और उन सिस्टम की दे हैव अ पर्टिकुलर फिजियोलॉजी, और उनकी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फिजियोलॉजी होती है, और वो फिजियोलॉजी किसी ना किसी प्रोसेस पर क्या है, डिफाइन की गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जैसे कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। तो आई ओ एन याद रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमेशा वो काम आएगा। कोई भी अगर हम प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, तो ये भी एक प्रोसेस है, इसलिए हम इसे याद रखेंगे आई ओ एन। जब आई ओ एन आएगा इसका मतलब प्रोसेस होता है। हिंदी में अगर इसे समझे तो कहने का मतलब ये है कि यह एक प्रक्रिया है, क्रिया का पूरा रूप, ठीक, पूरा भाग या पूरा जो स्वरूप होता है उसे प्रक्रिया कहते हैं। क्रिया और प्रक्रिया में छोटा सा अंतर, तो क्रिया का पूरा जो स्वरूप होता है उसे प्रक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हिंदी में समझने की कोशिश की जाए, ये सब हम क्यों बता रहे हैं आपको, ताकि आपकी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की इसकी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, उससे हमें काफी हेल्प मिलती है। इसलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। अब ये हमें पता चल गया कि प्रोसेस का मतलब, प्रोसेस अगर आई ओ एन आएगा लास्ट में तो प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगा, ठीक है। हमने आपसे कहा कि नाचना लास्ट में क्या रहा है, ना, खाना, पीना, बजाना, धोना, गाना, ये सारी जो है अगर ये कोई ना कोई करता कर रहा है तो वो प्रक्रिया बन रही है। इसका मतलब अगर लास्ट में ना आता है और उसके साथ कोई पर्टिकुलर फंक्शनली ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो वो प्रक्रिया बन जाती है। इसीलिए इन सब के लिए आपको इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को जानना आवश्यक होता है। चलिए आप इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। ओवरव्यू को जानना इसलिए जरूरी होता है कि अगर हम कोई यात्रा करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसकी सारी प्रॉपर तैयारी करते हैं, फिर हम उसकी जर्नी की शुरुआत करते हैं। उसी तरीके से अगर हम सिलेबस की बात करें तो एक ये दिस इज अ
लर्निंग एक तरीके का एग्जाम्पल है जो हमें ये बताएगा कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। तो डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में सबसे पहले हमें डाइजेशन का पूरा प्रोसेस विथ डिफिनेशन, मतलब डाइजेशन का हमें पूरा प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा विथ डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इसमें अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट व्यू दें तो पूरी इसकी जो मैकेनिज्म होती है डाइजेशन की, यानी कि डाइजेशन इन बक्का कैविटी से डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, यहां तक हमें इसकी मैकेनिज्म को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, रब कर देते हैं इसको, पहले इसके ओवरव्यू को समझते हैं। उसके बाद हमें डाइजेशन में लीवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लीवर जिसे यकृत कहते हैं। उसके बाद हमें डाइजेशन में पेंक्रियास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमें डाइजेशन में, ठीक है, कुछ एब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एक क्वेश्चन आता है, एब्जॉर्प्शन इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डाइजेशन में डेंटल फॉर्मूले के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डाइजेशन में कभी कभी विटामिन्स प्रोटीन्स, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से बढ़ता जाता है प्रोटीन्स, इन सभी के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो डाइजेशन में इतना ओवरव्यू आता है कि डाइजेशन का पूरा प्रोसेस लीवर के बारे में, पेंक्रियास के बारे में, इसके कुछ प्रोसेस होते हैं सेलेक्टिव अब्सॉर्प्शन से नोट लिखने के लिए आता है, ठीक। उसके बाद डेंटल फॉर्मूला का पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, विटामिन्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन बेसिस क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण या कैसे कैसे पोषण की इसमें विधियां होती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। फिर अगर हम बात करें, इसको रख कर देते हैं, फिर हम बात करें अगर ये यूनिट फर्स्ट चल रही है, ठीक है, फिर हम बात करें रिस्पायरेशन की, कोई भी टर्म आएगा तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए। अगर डाइजेशन है तो सबसे पहले डाइजेशन की हमें डेफिनेशन, फिर उसका मैकेनिज्म। उसी तरीके से अगर रिस्पायरेशन चैप्टर है तो सबसे पहले रिस्पायरेशन, फिर उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक। तो पहले आएगा रिस्पायरेशन टिप एंड मैकेनिज्म, फिर टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इन रिस्पायरेशन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर होता है, तो श्वसन और उसकी क्रियाविधि, श्वसन के प्रकार एरोबिक एंड इनएरोबिक, और ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में अंतर, ये कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं। साथ ही साथ इसमें कभी कभी क्रेव्स साइकिल, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्रेव्स साइकिल का भी अध्ययन करना होता है। तो इतनी रिस्पायरेशन में ओवरव्यू होता है। और कुछ शॉर्ट टर्म्स आते हैं कि अगर पहाड़ पर चलते हैं तो रिस्पायरेटरी रेट कम होती है, ज्यादा होती है, खाना जल्दी क्यों पकता है, इस तरीके से कई क्वेश्चन शॉर्ट टर्म्स में आते हैं। इस तरीके से रिस्पायरेशन का ओवरव्यू होता है कि रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर होता है, क्रेव्स साइकिल, इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, सर्कुलेशन अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है,
ये सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन पे जाकर नहीं रुकता है, किसी भी एलिमेंट का या फूड का या मिनरल्स का या किसी भी भोज्य पदार्थ का सर्कुलेशन, ठीक है, या उसका संचरण बॉडी में हो रहा है, दैट इज आल्सो नोन एज द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है और हम सबसे पहले इसमें सर्कुलेशन के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक। जब हम सर्कुलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, उसके बाद आता है ब्लड सर्कुलेशन। ये एक फॉर्म होता है सर्कुलेशन का, ब्लड सर्कुलेशन। हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं, और कैसे हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को एक साइक्लिक फॉर्म में कैरी करता है, और कैसे प्योर एंड इम्प्योर का प्रोसेस होता है, ये सब ब्लड सर्कुलेशन में समझाया जाता है। उसके बाद यहीं पे हम एक शॉर्ट व्यू लेते हैं, बताते हैं बच्चों को टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में, कितने टाइप्स का ब्लड होता है, डोनर कौन सा होता है, एक्सेप्टर कौन सा होता है, इस तरीके की सारी चीजें इसमें बताई जाती है, ठीक। उसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म्स भी होते हैं जो लिखने के लिए आते हैं कि हीमोग्लोबिन पर शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक, इस तरीके से, या हीमोग्लोबिन ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरीके से शॉर्ट नोट भी आते हैं जो इसमें सब डिफाइन कर दिया जाता है। सर्कुलेशन के ओवरव्यू के बाद हम आएंगे एस्पीशन में। यह यूनिट फर्स्ट चल रही है, अब बात करेंगे एस्पीशन की। अब ये तो मैं पता चल गया कि आईओएन आरएस ये प्रोसेस है, हमने बताया आपको कि साइंस इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है, या अगर कोई भी चीज होती तो उसका एक पर्टिकुलर फंडामेंटल फैक्ट होता है, बिना फंडामेंटल फैक्ट के साइंस की, ठीक, या बायोलॉजी की कल्पना करना कठिन है। उसके बाद अगर हम बात करें एस्पीशन की, तो एस्पीशन यानी कि उत्सर्जन, यहाँ पे हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे और हम साथ ही साथ ऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, समन्वय के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये बैलेंस करता है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर होम्योस्टेटिस के बारे में भी थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक। ऑर्डिनेशन की बात होगी, ऐसे बता देते हैं, देखिए ऑर्डिनेशन समन्वय की बात होगी, ठीक। उसके बाद एस्क्रीशन का होम्योस्टेटिस यानी कि समस्थैतिकता से कैसे रोल प्ले करता है, होम्योस्टेटिस की बात होगी, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे इसकी पूरी मैकेनिज्म, ठीक है, इसकी तीन मैकेनिज्म होती हैं और तीनों मैकेनिज्म को हम डीप पढ़ेंगे। उसमें थ्री टाइप्स ऑफ प्रेशर काम करते हैं, नेट प्रेशर 65 MMSG होता है, और जब वो तीनों जो प्रेशर होते हैं उनको घटा करके 15 mg का प्रेशर हम हमारे पूरे एस्पीशन के प्रोसेस में लगता है। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, जब इसकी डिटेल आएगी तब पूरी डिफाइन की जाएगी। उसके बाद इसमें क्रेव्स हैंसलेट साइकिल भी होती है, जिसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। हालांकि ऑर्निथिन साइकिल 10th क्लास में नहीं होती है, ये 12th क्लास का सिलेबस है, लेकिन हम ऑर्निथिन साइकिल बताएंगे क्योंकि हम दोनों क्लासेस को कंबाइंड और पैरेलल वे में लेके चलेंगे, तो ऑर्निथिन साइकिल भी पूछी जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें जो किडनी की फिर पूरी फिजियोलॉजी पूछी जाएगी, ठीक, साथ ही साथ डायलिसिस के बारे में भी पूछा जाएगा, डायलिसिस के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो इस तरीके से एस्क्रीशन की बात होगी, पहले तो इसके मैकेनिज्म डिफिनेशन की बात होगी, फिर उसके समन्वय और ऑर्डिनेशन की बात होगी, समस्थैतिकता होम्योस्टेटिस की बात होगी, फिर इसके क्या करेंगे, है ना, फिर इसमें क्या होता है कि किडनी का क्या फंक्शन है, डायलिसिस क्या होता है, इस तरीके से पूरे प्रोसेस की यहाँ पे स्टडी की जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर अभी जो न्यू मॉडिफाइड एडिशन आया है उसमें क्या किया गया है, एस्पीशन
मैं बता दूं ताकि कभी किसी को डाउट ना हो, एस्टेशन एंड ट्रांसपायरेशन को एक साथ रख दिया गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर ट्रांसपायरेशन ऐसा कहा जाता है, प्रोसेस एस्टेशन क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेशन, तो यही प्रोसेस ट्रांसपायरेशन में होता है। इसलिए इसको एक कंबाइंड एक यूनिट एक चैप्टर बना दिया गया, एक टॉपिक बना दिया गया जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए ट्रांसपायरेशन के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक, तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ये होता है कि किसी भी प्लांट के एरियल पार्ट से एक्सेस ऑफ वाटर का एक्सक्रीट आउट होना क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। किसी भी पौधे के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। इसकी कम से कम 3 से 4 डिफिनेशन बनती हैं और इस ट्रांसपायरेशन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो मतलब कार्य करते हैं। तो उसमें लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, इस तरीके से कई सारे फैक्टर्स होते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और इसे स्ट्रोमेटा का रोल होता है और इसमें कुछ जो स्ट्रोमेटा होते हैं जो दिन और रात के हिसाब से लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। चलिए आगे बात करते हैं, अब यूनिट सेकंड में आते हैं। यूनिट सेकंड बहुत बड़ी है इसलिए इसको सिर्फ 2 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। दो क्या है, इट इज दे आर ए को कंबाइंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम और हार्मोन, नर्वस सिस्टम और हार्मोन ये यूनिट सेकंड है और नर्वस सिस्टम में हम बहुत डीप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन सेल्स के बारे में, ब्रेन के बारे में और बहुत सारे ब्रेन के पार्ट होते हैं उनके बारे में, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट के द्वारा नियंत्रित होती उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है और इसमें फिर से हम समन्वय के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो माइंड है कैसे पूरी बॉडी के साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है, हम नर्वस सिस्टम में इसके बारे में पढ़ेंगे। एक पूरी पर्टिकुलर सेल के न्यूरॉन सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसका हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। और अगर हम हार्मोन की बात करें तो हार्मोन अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, देखने में तो बहुत छोटा लगता है लेकिन हार्मोन को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हमें 2 टाइप्स के हार्मोन प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन। सबसे ज्यादा टाइम जो कोई यूनिट लेती है तो यूनिट सेकंड लेती है प्लांट हार्मोन और साथ ही साथ एनिमल हार्मोन। तो ये 2 हार्मोन होते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम लिखने से इसका काम हो गया। प्लांट हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। एनिमल में लगभग 12 से 13 हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एलएस हो गया है ना, एस्ट्रोजन हो गया, एंड्रोजन हो गया, ठीक है, लैक्टोफेरिन हो गया, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो उनका उनके बॉडी में पर्टिकुलर क्या होता है, फंक्शन होता है और ये स्पेसिफिक सेल्स के द्वारा एक्सक्रीट होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में एक्सक्रीट होते हैं और दूसरी सेल पर टारगेट सेल पर एक विशेष प्रकार का नियामक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए हार्मोन के बहुत अच्छे रोल होते हैं और प्लांट और एनिमल की वृद्धि के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। हार्मोन बेसिकली नेचुरल भी होते हैं और इसे इंडस्ट्रियल केमिकल वे में भी बनाया जाता है। आजकल सारे हार्मोन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा डेवलप हो चुके हैं। तो ये हार्मोन कब होता है, अगर हार्मोन की बात की जाए तो 1905 में स्टार्लिंग साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले खोजा था। उसके बाद हम यूनिट 3 की बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ लाइफ में हम सीधे सीधे प्लांट और
हुआ है, ये प्रोसेस ऑफ लाइफ फर्स्ट फेज है। तो यूनिट जो हमारी थर्ड है उसमें प्रोसेस ऑफ लाइफ फर्स्ट सेकंड भी आएगा, उसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो प्लांट और एनिमल का अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे और कैसे उसके टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव होता है। ठीक, और इसी में प्लांट में पॉलिनेशन की बात करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, और बहुत सारी इसमें जितने भी रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म होगा उसकी बात करेंगे। उसी तरीके से एनिमल में हम ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लाइफ फर्स्ट फेज में पढ़ा जाता है। उसके बाद अगर प्रोसेस ऑफ लाइफ सेकेंड की बात करें, ठीक है, अगर हम सेकेंड फेज की बात करें, ब्रेक, उसके बाद प्रोसेस ऑफ लाइफ सेकेंड की बात की जाएगी, जिसमें रिप्रोडक्शन की बात होगी। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ठीक है, प्लांट और एनिमल में कैसा होता है उसकी पूरी मैकेनिज्म का स्टडी या अध्ययन किया जाएगा, कि एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव होता है, बाइनरी होता है, फिजन होता है, कैसा प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन के द्वारा होता है, किस तरीके से होता है, तो दे आर ए वेरी इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये सभी जो जीवधारी होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस का पूरा अध्ययन प्लांट और एनिमल में किया जाएगा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ सेकेंड फेज। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की, जेनेटिक्स क्या होती है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक, लुस्के सीनो लॉ, ठीक, क्रॉस के टाइप, सिंपल क्रॉस, चेकरबोर्ड क्रॉस या स्क्वायर क्रॉस, ठीक है, चेकरबोर्ड या स्क्वायर क्रॉस। उसके बाद बहुत सारी एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, वाई लिंक्ड कैरेक्टर, एस वाई लिंक्ड कैरेक्टर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, सहलग्न लक्षण लिंक्ड कैरेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, दैट इज आल्सो नोन एज सहलग्न लक्षण। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिकता की जितनी भी बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक, उसमें हमें डिसीज भी पढ़नी है और सिंड्रोम भी पढ़ने हैं, छूटेगा कुछ नहीं, डिसीज भी पढ़ेंगे और सिंड्रोम भी पढ़ेंगे, और इन डिसीज से रिलेटेड हम क्रॉस भी पढ़ेंगे। ठीक है, हीमोफिलिक हो गया, ठीक है, वार्ड हो गया, या ब्लड से रिलेटेड, जेनेटिक ब्लड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पर्टिकुलर इस जेनेटिक को भी दो फेज में हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसमें क्या हुआ, पर्टिकुलर हम जेनेटिक्स की बात करें तो ये भी दो फेजेस या दो चरण में डिवाइड होता है, जिसमें क्या करते हैं, जो एंशिएंट जेनेटिक्स है उसको बताते हैं, बाद में मॉडर्न जेनेटिक्स जो होती है, जैसे उत्परिवर्तन वगैरह हो गया, म्यूटेशन हो गया, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन हो गया, उसके प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सारी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, और म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, क्यों इतना इफेक्टिव है आज, कि
कितना इफेक्टिव होगा आज से कई साल बाद, सारे प्रोसेस म्यूटेशन और उसके टाइप्स जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स में हालांकि ये बहुत कम शब्दों में ज्यादा बात बता दी गई है, लेकिन ये यूनिट बड़ी है, इसमें काफी कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स की परिभाषा, इसमें जीन्स आ जाएगा। ठीक, जीन्स क्या होते हैं, जेनेटिक्स क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, सारे प्रोसेस। ठीक है, और इनके इन्वेंटर कौन है, किन्होंने पहले प्रयोग किया। कभी कभी क्या होता है, इन्वेंटर और प्रयोग करने वाले एक होते हैं, कभी कभी अलग भी होते हैं। तो सारे प्रोसेस पढ़ने पड़ेंगे। कितने इन्होंने लाग दिए, 3 दिए थे, उसका क्रॉस, उसके फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ लिखवा दिया, कैसे निकाला जाता है ये भी बात करेंगे कि फिनोटिपिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे और जीनोटिपिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे। लिंग कैरेक्टर के जो क्रॉस होंगे कैसे होते हैं, क्या डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर में उनकी क्या पर्टिकुलर डिसीज है, सिंड्रोमिक और डिसऑर्डर के बारे में हम लोग, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया और भी बहुत सारे टाइप सिंड्रोम्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे, म्यूटेशन क्यों इफेक्टिव है, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, आजकल ज्यादा इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो क्या टाइप्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और आने वाले सालों में क्या इसकी भूमिका होगी डेवलपमेंट के रेफरेंस में, ये सारी बात हम लोग जेनेटिक्स में करेंगे। उसके बाद अगर हम यूनिट 5 की बात करें, तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब क्या सिर्फ बचा रहता है, एवोल्यूशन या एवोल्यूशन। यूनिट 5 Evolution is a process of development. बात करते हैं evolution की, evolution की बात करें, development का एक process है जिसमें शुरुआत से लेके अंत तक कैसे एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, इसकी पूरी process बताई जाएगी। ठीक, इसके लिए बहुत सारी theories दी गई है, chemical theories दी गई है, ancient theories दी गई है, और इसमें हम लोग AIO Prin की सबसे पहले theory पढ़ेंगे, जो basically 8 चरण है, उसके 8 फेज हैं। ठीक है, 8 चरण में हम पूरी उसकी बात करेंगे कि कैसे एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ, बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ, कैसे तत्वों से गैसें बनी। ठीक है, और कैसे कोशिकीय बेड बने, तो पूरा जो प्रोसेस होगा, कैसे लास्ट में जाते जाते अमीनो एसिड का निर्माण हुआ, ग्लिसेरॉइड्स का निर्माण हुआ, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस AIO Prin के 8 स्टेजेस में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इवोल्यूशन के रेफरेंस में, तो हम लोग कुछ उसकी केमिकल थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी भी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग स्टैनली मिलर का प्रयोग पढ़ते हैं, मिलर एक्सपेरिमेंट। स्टैनली मिलर के एक्सपेरिमेंट में, एक अपरेटस में वो प्रयोग करते हैं और ये बताते हैं कि जैव विकास के संदर्भ में जो बताया गया कि किसी भी जीवों की उत्पत्ति एमिनो एसिड, ग्लिसराइड और कुछ प्रोटीन से संभव है, वो उन्हें ये स्टैनले मिलर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट से सिद्ध करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, तो हम इसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के रेफरेंस में हम लोग लैमार्किज्म के बारे में पढ़ते हैं, डार्विनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, लैमार्कवाद डार्विनवाद के बारे में पढ़ते हैं। इनमें अंतर भी आता है, ठीक है, इनमें क्या आता है, अंतर भी आता है। ठीक, इनमें अंतर भी आता है। ठीक, उसके बाद इन्होंने, इनकी आलोचनाएं क्या क्या हैं, आलोचनाएं, फिर इनका नियो लैमार्किज्म और डार्विनिज्म, ये पूरा प्रोसेस। आलोचनाएं होने के बाद जब इनमें इनकी आलोचनाएं हो गई, तो क्या नया इनका प्रिंसिपल आया, ठीक, वो नियो कहलाया, नियो डार्विनिज्म और नियो लैमार्किज्म के बारे में पढ़ेंगे। और भी साइंटिस्ट होते हैं जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट देते हैं, उन सब के बारे में इवोल्यूशन के यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर यूनिट 6 की बात की जाए, इसको रब कर देते हैं, यूनिट 6 में सब कुछ कंबाइंड आता है अगर हम उसे मॉडर्न बायोलॉजी
लॉजिक कर ले तो कुछ गलत नहीं होगा। यूनिट सिक्स में, यूनिट सिक्स की बात की जाए तो इसमें छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, है ना, इसके इसके क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस, सबसे पहले सिग्निफिकेंस महत्व क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है, ठीक, तो एप्लीकेशन और कहां कहां, कभी कभी जीन थेरेपी के बारे में पूछते हैं, ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछते हैं, ये इससे यूनिट का कोई तोड़ नहीं है कि इससे क्वेश्चन कहां से पूछा जा सके, हो सकता है पॉल्यूशन से पूछ ले आपसे, हो सकता है ओजोन लेयर के बारे में पूछ ले, हो सकता हो कोई कोई कंजर्वेशन के बारे में एनिमल के पूछ ले, है ना, बायोस्फीयर के बारे में पूछ ले, तो इसीलिए मॉडर्न बायोलॉजी से इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी जुड़ी हुई होती है और एंशियंट बायोलॉजी भी जुड़ी हुई होती है, इसलिए मॉडर्न बायोलॉजी होती है। और मॉडर्न बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी भी पूछा जाता है, जीन थेरेपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पॉल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, आपसे पॉपुलेशन के बारे में भी कुछ हो सकता है ऐसे लिखने के लिए आ जाए, पॉपुलेशन के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे हो सकता है पर्टिकुलर, अब जैसे अब इसमें आ ही गया ओजोन लेयर के बारे में पूछ ले, ठीक, हो सकता कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक, तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। साथ ही साथ इसमें फूड चेन और फूड वेव, फूड वेव, ठीक, यानी कि इकोलॉजी, इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, या इकोलॉजी कह लो या इसे इकोसिस्टम कह लो, तो इकोसिस्टम से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेव, ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कंज्यूमर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ऊर्जा का स्तर क्या होता है, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन यूनिट सिक्स में आते हैं। तो इसका इसको प्रेज्यूम करना अपने आप में बहुत कठिन होता है, लेकिन जो हर साल इसकी स्टडी कर रहे हैं वो ये बता देते हैं कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से इम्पोर्टेंट है, और कुछ प्रेज्यूम हमने भी करके रखा है कि कुछ जो क्वेश्चन आते हैं वो हर साल आते हैं, तो इस तरीके से इसकी यूनिट सिक्स की बात होती है। आज हमने क्लास टेंथ का पूरा ओवरव्यू सिलेबस लेने की कोशिश की है, और इस ओवरव्यू में हमने ये जानने की कोशिश की कि हमें आने वाले दिनों में क्या क्या चीजों की स्टडी करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ओवरव्यू पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर ये ओवरव्यू अच्छा लगा है सिलेबस का तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बायोलॉजी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।